राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। टाइम्स ऑन नवभारत से बातचीत में राहुल गांधी को कांग्रेस का इतिहास नहीं मालूम, ये बात कही है गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लाई थी वो कौन सा लोकतंत्र था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और भारत के लोकतंत्र, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ तक कहते हैं कि भारत में जो प्रजातंत्र अब बचा नहीं है, वहां पर किसी भी को बोलने की आजादी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी को शायद कांग्रेस का इतिहास नहीं मालूम है, केवल उनको इतिहास मालूम है कि उनके नाना जी दादाजी ने ही कांग्रेस देश को बनाया है। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लाया था राहुल जी, वो कौन सा लोकतांत्रिक था वो याद नहीं है। लोकतंत्र नहीं होता तो चाइना जैसा यहाँ नहीं है, नहीं तो आपको बोलने नहीं दिया जाता। मुझे तो लगता है कि राहुल जी, आपकी यात्रा पूरे भारत में जो आपने 3,000-4,000 दिन यात्रा किया, उस यात्रा से न आप सबक लिए, अन्य देश के लोग आपसे खूब प्रभावित हुए। अब फ्रस्ट्रेशन में आप विदेशों का यात्रा करके भारत को बदनाम करना, भारत को गाली देना, जब भी मौका मिला, मैं देख रहा हूं, अभी नहीं, सुषमा जी थी विदेश मंत्री, आप सुषमा जी से नहीं बात करते थे, आप जाकर के एम्बेसी चाइना से बात करते थे।